मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का भी आपसे हमने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 13 अक्टूबर 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी हयन दक्षिण ऋतु शरद मास अश्विन पक्ष शुक्ल तिथि। दोस्तों, आज की दशमी तिथि है। सुबह 9:09 के बाद एकादशी शुरू होगी। वार इतवार है। नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है दोस्तों। रात देर 2:12 के बाद शतार का नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शुल योग है। रात 9:25 के बाद गंड योग शुरू होगा। करण दोस्तों गरज करण है। सुबह 9:09 के बाद वनिश करण शुरू होगा और रात 8 बजे के बाद विष्टिकरण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज कन्या राशि में होगा, चांद मकर राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:33 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:16 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आपके दाहिने हाथ के तिल पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो राधे। प्रवर्तमान से ब्रह्मणो द्वितीय पराते श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतर कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यवहार के चंद्रमा शालिवान शक 1946 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु अश्विन मासे शुक्ल पक्षे इतवार वासरे धनिष्ठा नक्षत्रे शूल योगे गरज करणे दशमी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़ापा मोह पात्र दुर्दशा द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पित्यर्थ विधिवत पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यही पर ये संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 9:09 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी यह धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 13, 16, 17, 18, 21 और 26। वध भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 18 और 21। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 18, 21, 23 और 24। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 13, 17, 18, 21 और 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 13, 17, 18, 21 और 24। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त इस मास में नहीं है, माघ मास में आपको शायद मिलेगा। शादी ब्याह करने के लिए, वास्तु शांति करने के लिए, भूमि पूजन और पायाभरणी करने के लिए कार्तिक मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। देव मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो भगवान विष्णु और देवी माताओं के कर सकते हैं या इनके अवतारों के कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें, देव काल में करें, घर पर करें या तीर्थ मंदिर में करें दोस्तों। इसके लिए आपको मुहूर्त दिया गया है तारीख 13, 17, 18, 21, 23 और 24। लेकिन दोस्तों, ख्याल में रखो कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हरेक मूर्ति पर संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है। वो हर दिन आपको चार्ज करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसी मूर्ति, प्राण प्रतिष्ठित किए हुए भी मूर्ति, वो खंडित मानी जाएगी और उसको एक दिन विसर्जन करना पड़ेगा। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों के तारखों में समय की पाबंदी हो सकती है। उसे जानने के लिए कृपा करके आप कोई सही पुरोहित से संपर्क करें या कमेंट बॉक्स में मुझे पूछे या फिर पंचांग धारक से संपर्क करें।
और तब जाकर आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से नया नया मतलब जो मुहूर्त है सही मुहूर्त चुने और उसी मुहूर्त पर अपना कार्य सिद्ध करें दोस्तों, ताकि आपके कार्य में कोई रुकावट न आए दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है आपके जन्म कुंडली के हिसाब से, तो कृपा करके नया कोई मुहूर्त आप खुद हो के या पंडित के माध्यम से इन मुहूर्तों के हट से निर्माण ना करें, क्योंकि वो मुहूर्त ना होने की वजह से आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों, ये ख्याल में रखो। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों रात 8 बजे तक अच्छा दिन है, उसके बाद नहीं। दिन विशेष दोस्तों पाषाण कोषा स्मार्क स्मार्त एकादशी है, और इस एकादशी व्रत का नियमों का पालन करते हुए आपको भगवान विष्णु के चरणों में अपनी सेवा अर्पण करनी है दोस्तों। और कुछ नियमों के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। श्री मध्वाचार्य जयंती है, जो भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही गाढ़ा भक्ति थी, उनका चरित्र आप पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको मालूम पड़ जाएगा, और उनके चरित्र से आपको अपने भक्ति मार्ग के लिए कुछ लेना है तो ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पूरा पूरा समर्पण हुआ हुआ ये भक्त है दोस्तों। रात 8 बजे के बाद भद्रा योग शुरू होने जा रहा है, तो आपको मालूम भद्रा में आप कुछ शुभ काम या महत्वपूर्ण काम नहीं करते, क्योंकि उसमें भराव आपको फायदा नहीं देगा, सफलता नहीं देगा। इसके लिए आपको इस समय के पहले ही आपको अपने काम निपटाने हैं। एकादशी श्राद्ध कर्म भी है दोस्तों, अगर आपके पिताजी इस तिथि पर आपको छोड़कर परलोक सिधार गए तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना है, विधिवत करना है। घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन पंडित के माध्यम से करें। और दोपहर 2 बजकर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक करें, अपराह्न काल में करें, तब जाकर ये पितरों की सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा, आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर सुबह 9 बजकर 9 मिनट तक हाजिर है, उसके बाद नहीं है। अगर आपको कोई नया यज्ञ या कर्मकांड छोटा हो या बड़ा शुरू करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो बंद ना हो जाए इसका भी ख्याल आपको रखना है, वरना आपको दोष लग सकता है दोस्तों। राहु काल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है, इस 1.5 घंटे में भी आपको आपका महत्वपूर्ण काम नहीं करना है, क्योंकि राहु आपको सफलता नहीं देगा इसके लिए ज्यादा करके। इसके लिए दोस्तों और कोई समय हो उसे पूरा करो ताकि आपको सफलता मिले। प्रमुख वक्री ग्रह में फिलहाल शनि वक्री है, गोचर शनि, तो 18 नवंबर तक वो स्तंभ ऐसा ही रहेगा, 1-2 दिन स्तंभी हो जाएगा, फिर पहले जैसा मार्गिक हो जाएगा दोस्तों। और ये गोचर शनि जैसा आपको है वैसा ही आपको फल देगा, ये ख्याल में रखो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र और परिवार के साथ शेयर करो, और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाओ। धन्यवाद दोस्तों, अगली मुलाकात होने के लिए आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम, शिव शंभो महादेव।